हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। मैं नदो वीडियो, कैसे आप सब लोग? आई होप सब स्वस्थ होगे और मस्त होगे। मैं अभी बहुत बढ़िया हूँ। आपको पता है अभी ना 9 बजे, और आप मुझे देख सकते हो, मैं ना अभी भी रजाई के अंदर हूँ, क्योंकि मैंने कल वाले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि मैं हरिपुरधार में, और यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, चूड़दार में बर्फ़ गिरी है, तो उस वजह से ना यहाँ पर बहुत ठंड हो जाती है। मतलब चूड़धार की और इसकी हाइट इक्वली है, थोड़ी चूड़धार की ज़्यादा है और हमारी थोड़ी सी कम है, तो अगर वहाँ बर्फ़ गिरती है तो यहाँ मान के चलो आप बहुत हद तक ठंड पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं अभी रजाई के अंदर ही हूँ, लेकिन आज ना मुझे मंदिर जाना है, तो मैंने ना गीज़र ऑन कर दिया है नहाने के लिए। अभी थोड़ी देर लाइट आई हुई, तो मैं कहा चलो जल्दी जल्दी नहा लेते हैं, और मैं तो वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोगों को भी आज मंदिर लेके चलती हूँ। कल मैं गई थी शॉप पे और अच्छे से आपको शॉप भी नहीं दिखा पाई, तो आज मैं अच्छे से शॉप भी दिखा दूंगी और माता रानी के दर्शन भी करवा दूंगी आप लोगों को। तो चलो आप लोग बताओ कि आप लोगों के यहाँ नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? हमारे बहुत सिंपल होते हैं, मतलब लोग मंदिर जाते हैं, फास्ट रखते हैं, बस यही होता है। तो मैंने फास्ट तो नहीं रखा है, मैं सिर्फ मंदिर जाऊँगी माता रानी के दर्शन करने, और फिर आज शाम को निकल जाऊँगी मैं अपने घर, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है, यहाँ नहीं रहा जा सकता। ठंड तो मेरे गाँव में भी बहुत है, लेकिन वहाँ आ गए तो इतनी ठंड महसूस नहीं होती है। तो चलिए आप बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोगों की कैसे कैसे नवरात्रि सेलिब्रेट हो रहे हैं। तब तक मैं ना नहा धो के आती हूँ। तो चलो मैं ना नहा धो के फ्री हो गई हूँ, अब ना मैं इधर से ही करी हूँ, अब ये देख सकते हो मैंने अपना बेड भी क्लीन कर दिया है। तो चलो अब थोड़ा ना अपने बाल सुखा देती हूँ, क्योंकि मैं ना मंदिर जाना था, तो मैंने हेयर वॉश भी कर लिया साथ साथ ही, और ऐसे बाहर निकलूंगी तो मुझे ठंड लग जाएगी, तो मैंने सोचा चलो सुखा देती हूँ थोड़ी हीटर के पास बैठ के। और मैंने फिर से ना वही वाली जैकेट डाल दी, क्योंकि मेरे सारे कपड़े गाँव में हैं, तो मैंने सोचा चलो इसी को डाल लेती हूँ, बीमार होने से अच्छा है कि यही पहन के जाऊँगी अब, और क्या कर सकते हैं मंदिर। चलिए अब ना मंदिर चलते, और मैं ना दुपट्टा लेके जा रही हूँ सिर ढकने के लिए, तो चलो चलते हैं। चलो आपको ना व्यू दिखाती हूँ पहले, ये देख लीजिए आज का ब्यूटीफुल सा व्यू। और वहाँ पे उस लास्ट वाली चोटी पे ना बर्फ़ गिरी हुई थी, अभी नहीं है उतनी, थोड़ी थोड़ी सी है ऊपर ऊपर को, टॉप पे बिल्कुल नीचे नीचे नहीं, अब कल बहुत नीचे तक थी। आइए और ये देखो कितने सारे श्रद्धालु जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। अब मैं चलती हूँ और शॉप पे मिलती हूँ आप लोगों से। देख लीजिए गाइस, ये मेरी शॉप है, दो शॉप की नहीं एक ही शॉप है, मैं ना अच्छे से दिखाती हूँ कितना सारा सामान है इसमें जी। ये देखो आप, और ये हमारा पहले वाला काउंटर है, और ये देखो वॉचेस वगैरह, और बाहर इतना सारा सामान, ये देख लीजिए ये फ्रिज है। जय माता रानी लीजिए, ये स्टेयर स्टार्ट हो गई है गाइस। वैसे मैंने इसकी वीडियो ना पहले भी बनाई हुई है, तो चलो आपकी जो भी विशेष है कमेंट्स में बताना। चलो अब साथ में दर्शन करते हैं माता रानी के, आपकी जो भी विश हो भगवान उन्हें पूरा करे, और मेरी विश को भी पूरा करे कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए। तो चलो अब दर्शन करते हैं, सिर्फ बाहर तक ही मैं वीडियो बना पाई, क्योंकि अंदर वाली ना बनाने नहीं देते, तो इसलिए मैंने यहीं तक ही बना दी। तो चलो माता रानी आप सभी की मनोकामना भी पूरी करें, उसके बाद मैं दर्शन, इतना क्राउड था ना अभी भी अंदर, और बाहर जैसे निकली मुश्किल से निकली, और ये देखो आप इतना सारा क्राउड बाहर भी है, मतलब बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं हर साल, और मंदिर आप देख सकते हो। वैसे मैंने इसके ऊपर ना एक अलग से फुल वीडियो बनाई, अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाके देख लेना। और अब चलते हम प्रसाद खाने, यानी कि भंडारा खाने, और ये अलग से एक हॉल बना हुआ है स्पेशली फॉर भंडारे के लिए। देखो कितने सारे लोग हैं, अभी भी सुबह का टाइम, अभी 10 बजे हुए थे तो इतने सारे लोग आए हुए थे अभी भी भंडारा खाने के लिए, और मैं और मेरा भाई भी पहुंच जाता है दर्शन करने के बाद भंडारा खाने। फिर भंडारा खा के फिर आ जाती हूँ मैं नीचे अपने रूम, ताकि माता रानी के दर्शन तो हो गए और पेट पूजा भी होगी, एंड आप लोगों को भी मैंने दिखा दी अपना मंदिर भी और मंदिर का क्राउड भी,
और मतलब जो जहाँ भंडारा देते थे वो वाला भी। तो चलो अब ना वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।